आकांक्षा दुबे की मौत ने न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल अब भोजपुरी इंडस्ट्री के काम और सलीकों को लेकर भी होने लगे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी घटना है। अभी तक भोजपुरी इंडस्ट्री से ऐसी कभी कोई घटना सामने नहीं आई कि किसी बड़ी भोजपुरी अभिनेत्री ने काम के प्रेशर को लेकर आत्महत्या कर ली है। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। रही बात काम की प्रेशर की, तो आपको बता दें कि आकांक्षा के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, तो काम का प्रेशर तो आकांक्षा की लाइफ में वैसे भी नहीं था। बताया जा रहा है समर सिंह से पिछले ही महीने इनका ब्रेकअप हो गया था। ये दोनों एक दूसरे को अनफॉलो कर चुके थे और एक साथ किसी भी हाल के किसी भी प्रोजेक्ट में साथ नहीं आने वाले थे। तो फिर ऐसी क्या बात हुई कि ब्रेकअप के एक महीने बाद आकांक्षा दुबे ने आत्महत्या कर ली है। इसे किसी और एंगल यानी मर्डर एंगल से भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू कर दी है, लेकिन आपको ये बता दें कि आकांक्षा दुबे के पास काम की बिल्कुल कमी नहीं थी। अगर ये कोई कहे कि आकांक्षा दुबे ने काम के प्रेशर में आकर आत्महत्या की है, तो भाई आरा कभी किसी से हारा नहीं, ये गाना उनका आज ही रिलीज़ होने वाला है और ये गाना उनका पवन सिंह के साथ सबसे बड़ा गाना है। तो ऐसे में तो आकांक्षा दुबे ये काम करेंगी नहीं कि जिस दिन उनका सबसे बड़ा गाना आ रहा है उसी दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली। आकांक्षा के इस कदम से अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि आकांक्षा जैसी टैलेंटेड, आकांक्षा जैसी खूबसूरत, आकांक्षा जैसी चुलबुली लड़की ये काम कर सकती है। इस बात की पुष्टि भोजपुरी इंडस्ट्री से सबसे पहले निधि झा ने की है। जी हाँ, निधि झा ने अपने पोस्ट में ये लिखा क्यों, आखिर उन्होंने क्यों की आत्महत्या जब आकांक्षा दुबे के पास सब कुछ था। भोजपुरी जगत की हार और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।